ऑल राइट गाइस, तो मैंने फाइनली अपने लिए एक आयरन का पिकेक्स बना लिया है और ये जॉम्बिस मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे। तो अब चलते हैं अपने गोल्ड को माइन करने के लिए। तो ये रहा भाई हमारा प्यारा प्यारा गोल्ड, तो इसे करते जल्दी से माइन। ओके, तो मुझे यहाँ से 4 गोल्ड मिल चुके हैं, लेकिन इतने में तो भाई हमारा पूरा आर्मर बनने नहीं वाला, तो मैं और गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो चलते थोड़े नीचे की तरफ को, कलेक्ट करते ये वाले आयरन्स। वाव यार, ग्लोस्टोन, वे सॉरी रेडस्टोन, जो भी हो भाई, हमें तो इस आयरन से मतलब है। सबसे पहले बनाते हैं अपने लिए थोड़ी चेस्ट, ताकि जॉम्बीज मेरे को ज़्यादा डैमेज ना दे पाए। आई थिंक इतने में बन जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर, अरे यार मेरे को पहले फर्नेस में से बनाना पड़ेगा ना, आयरन पहले स्पेल करना पड़ेगा। तो अपनी फर्नेस हम यहीं पर लगा देते हैं, ये जगह को हम याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे कोल डालते हैं और सबसे पहले गोल्ड को स्मेल्ट करते हैं। हमारा गोल्ड स्मेल्ट हो चुका है, अब करते हैं आयरन को स्मेल्ट। कोल ख़त्म हो गई, कोल मैंने लाया हूँ, कोल डाल देते हैं, आयरन को स्मेल्ट करते हैं और सबसे पहले अपने लिए चेस्ट प्लेट बनाते हैं, ताकि ज़ॉम्बी ज़्यादा डैमेज ना दे पाए, और उसके बाद वो सारे गोल्ड हम माइनिंग करने जाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा देर माइनिंग करने के बाद कुछ गोल्ड इकट्ठा कर लिए, बाकी ज़ॉम्बीज पीछे नहीं छोड़ रहे। और यहाँ पे हमारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है, तो सबसे पहले बनाते अपने आयरन का चेस्ट प्लेट। बाकी ज़ॉम्बीज अभी भी आ रहे क्या यार? तू आ जा पहले, तेरे को मार ही लेता मैं। वेट, इसने मुझे गाजर दिया, कैरोट कहाँ से आ गया इसके पास? ओके, तो सबसे पहले हम बनाते अपने लिए एक चेस्ट रखने हैं, और ये बन गई हमारी चेस्ट प्लेट। तो सबसे पहले अपने चेस्ट प्लेट को हम पहन लेते हैं। वेट, और भी कुछ बन सकता है क्या इससे? नहीं यार, कुछ भी नहीं बन सकता, हमें और स्मेल्ट करना पड़ेगा। वैसे यार, हम तो अपना गोल्ड का, वैसे कैसे, वैसे मैं तो अपना गोल्ड का आर्मर बनाने में आया हूँ ना, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? वैसे स्मेल्ट होने देते हैं और गोल्ड इक्विप कर लेते हैं और गोल्ड का आर्मर बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले ऑफकोर्स चेस्ट प्लेट। तो ये हमने बना लिया हमारी पहली चेस्ट प्लेट, इसे पहन लेते हैं। वेट यार, मुझे आयरन की पता है एक लेगिंग बना लेनी चाहिए, ताकि मैंने गोल्ड की एक चेस्ट प्लेट बना ली और आयरन की लेगिंग रहती तो ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता। और कोई बात नहीं, तो हमारे 8 गोल्ड से बन चुके हैं हमारी चेस्ट प्लेट। बाकी के हमें एक लेगिंग बनानी है, एक जूते बनाने और एक सर की टोपी बनानी है। तो फटाफट से चलते हैं और गोल्ड माइन करते हैं। और इधर पे ज़ॉम्बीज बहुत परेशान कर रहे हैं, हर वक्त आ जाते सामने। चलिए ना, मैं ज़्यादा नीचे तक जा नहीं पा रहा हूँ गोल्ड को माइन करने के लिए। बाकी नीचे आप लोग देख सकते हो कितनी ख़तरनाक जगह है। टू गोल्ड हो चुके हैं, अब जल्दी से इसे स्मेल्ट करते और अपना टारगेट पूरा करते गाइस। तो मैंने लगा दिया गोल्ड को स्मेल्ट होने को। ओके, तो ये आयरन बाहर निकालना होगा, और अब हमारा गोल्ड स्मेल्ट होने वाला है। बट मुझे कोई ऐसा लग रहा है यार, इतने कोल कम पड़ जाएंगे। वैसे कम पड़ेंगे तो मैं ये ओक प्लैंक्स भी लगा सकता हूँ, इनका वैसे कोई काम नहीं है। मैं इनसे भी इन गोल्ड को स्मेल्ट करके अपने लिए आर्मर तो बना ही सकता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा 9 गोल्ड स्मेल्ट हो चुका है, जल्दी से इससे आगे बनाते हैं। हम क्या बना सकते हैं, एक लेगिन बना लेते हैं। और वाट यार, इसके बाद हमारे 2 ही बचे हुए हैं, अभी टोटल में 13 गोल्ड और हमारे पास। इससे आई थिंक बन जाना चाहिए हमारा हेलमेट और बूट, बूट भी तो बनाना है। तो सबसे पहले करते हैं अपने इस लेगिन को एक क्यूब, तो मुझे ये वाला क्लिक करके मुझे इस लेगिन को पहन लेना है। अब बाकी हमारे पास 7 और आ चुके हैं, टोटल में 9 है, 6 और स्मेल्ट हो रहे हैं। आई थिंक मैंने ज़्यादा गोल्ड माइन कर लिया है, तो एक बना लेते हैं हेलमेट, हेलमेट को भी पहनते हैं। और अब हमें एक बूट की कमी है, तो आई थिंक 5 से बूट बन जाएगा आराम से। तो बूट किधर है भाई, ये है, 4 से बूट बन जाता है। ओके, तो हमारे पास गोल्ड काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया है, 4 ये और 2 ये, 6 गोल्ड एक्स्ट्रा आ चुके। तो अब पहनते हैं हम अपने बूट को, हमने पहन लिया बूट। और अब देखो गाइस, और अब फाइनली गाइस, आज का हमारा टारगेट पूरा कम्प्लीट हो चुका है। मैंने अपने माइनक्राफ्ट के पहले वीडियो में ही अपने लिए फुल आर्मर गोल्ड का बिल्ड कर लिया है। वैसे मैं डायमंड का भी कर सकता था इसी वीडियो में, क्योंकि ये केव काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और डायमंड हमें काफ़ी इजी से मिल जाएंगे। बट इतना बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यार। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो,
बाकी अगर आपका रिएक्शन अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो में डायमंड के पूरा आर्मर बनाएंगे एक ही माइनक्राफ्ट के वीडियो में। एंड आई थिंक ये स्मेल्ट हो चुका है तो लाइट बंद हो चुकी है। ओके गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी क्रीपर मेरे सामने फटने वाला है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।